ये कनेक्टिविटी सिर्फ ट्रांसपोर्ट का नहीं बल्कि प्रगति और सामाजिक विकास का भी नया रास्ता बनाए। भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते 10 सालों में अभूतपूर्व गति और बड़े पैमाने पर बुनियादी सुविधाओं का निर्माण किया गया है। महाराष्ट्र में डबल इंजन सरकार ने मुंबई में लगभग 6,500 करोड़ की लागत से गोरेगांव मुलुंड जोड़ रास्ता परियोजना को रफ्तार प्रदान की है। ये परियोजना 12.20 किलोमीटर लंबी और 45.70 मीटर चौड़ी होगी, जिसमें कुल 6.65 किलोमीटर लंबाई वाली सुरंग शामिल है। इससे गोरेगांव मुलुंड के बीच की यात्रा का समय 1 घंटे कम होगा और साथ ही ईंधन की भी काफी बचत होगी। जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड की तुलना में 8.8 किलोमीटर दूरी कम होगी। सुरंग में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, CCTV और दोनों ओर नियंत्रण कक्ष आदि सुविधाएं दी गई हैं। वन्य जीव, जलाशय और पेड़ों को हानि पहुंचाए बगैर किए गए इस आधुनिक डिजाइन से हर साल लगभग 22,400 मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन कम होगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का भूमि पूजन आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। जिस यात्रा में पहले कई घंटे लगते थे, अब वही यात्रा कुछ मिनटों में ही हो जाया करेगी। मुंबई और महाराष्ट्र के विकास यात्रा की इस कड़ी में एक और नया अध्याय जोड़ रही है ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना। इस परियोजना से मुंबईकरों के लिए आधुनिक शहरी यातायात सुनिश्चित होगी। ठाणे घोड़बंदर मार्ग से बोरीवली के 23 किलोमीटर यात्रा की दूरी को तय करने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता है। इस परियोजना से यही यात्रा केवल 12 मिनट में संभव होगी। 11.8 किलोमीटर का होने वाला ये मार्ग भारत के सबसे बड़े और लंबे अर्बन टनल के रूप से जाना जाएगा। दोनों दिशाओं में परिवहन के लिए 2 और आपातकालीन स्थिति के लिए 1 मार्ग बनाया जाएगा। हर 300 मीटर के बाद टनल्स को जोड़ने वाले क्रॉस पैसेजेस बनाए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त वेंटिलेशन सुविधा, अग्निशमन प्रणाली, स्मोक डिटेक्टर्स और LED सूचना पट से टनल परिपूर्ण होंगे। 16,600 करोड़ के बजट से निर्माण होने वाले ये भूमिगत मार्ग के कारण CO2 का उत्सर्जन सालाना 1,50,000 मेट्रिक टन से कम होगा और राष्ट्रीय उद्यान की जैव विविधता की सुरक्षा और संवर्धन संभव होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हम एक नए विकास पर्व में प्रवेश कर रहे हैं। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र को दे रहे हैं अनेक रेल परियोजनाओं का उपहार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज किया जा रहा है कल्याण यार्ड रीमॉडलिंग का शिलान्यास। 813 करोड़ रुपए के निवेश से तैयार होने वाले कल्याण यार्ड रीमॉडलिंग से रेल यात्रियों को बहुत लाभ मिलेगा। साथ ही 27 करोड़ रुपए के निवेश से तुर्भे में बनने जा रहे गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का शिलान्यास किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 52 करोड़ रुपए के निवेश से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर विस्तारित प्लेटफॉर्म 10 एवं 11 और 64 करोड़ रुपए के निवेश से लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर बने नए प्लेटफॉर्मों को राष्ट्र को कर रहे हैं समर्पण। इन दोनों रेलवे स्टेशनों पर बड़े प्लेटफॉर्म उपलब्ध होने से जहां लंबी ट्रेनों के परिचालन का मार्ग प्रशस्त होगा, वहीं यात्रियों को ट्रेनों में चढ़ने उतरने में भी आसानी होगी। ये रेल परियोजनाएं रेल यात्रियों के सफर को सुगम और सुविधाजनक बनाएंगी। अगर भारत को अपने लक्ष्य पूरे करने हैं तो भारत के युवाओं को एक स्वतंत्र सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। भारत के दूरदर्शी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 1 दशक में युवाओं के लिए कई नए उपक्रमों का आगाज किया है और इसी श्रृंखला में महाराष्ट्र के युवा शक्ति को सही दिशा देने हेतु महाराष्ट्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण परियोजना का शुभारंभ कर रही है। इस परियोजना के माध्यम से उद्योग जगत को अधिकतम कुशल कारीगर देना तथा युवाओं को ज्ञान के साथ प्रत्यक्ष रूप से काम का अनुभव और स्टाइपेंड प्रदान करना ऐसा दोहरा लक्ष्य है। इस दोहरे लाभ को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार लगभग 5,500 करोड़ रुपयों का निवेश करने जा रही है, जिससे कम से कम 10 लाख युवाओं को काम तथा स्टाइपेंड दिया जाएगा। 12वीं पास विद्यार्थी को 6,000, ITI या डिप्लोमा किए युवा को 8,000 और डिग्री या पोस्ट डिग्री धारक को 10,000 रुपयों का स्टाइपेंड दिया जाएगा।
मोदी जी की युवाओं के प्रति आस्था को सर आंखों पर रखते हुए ये मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण परियोजना सरकारी गैर सरकारी उद्योग तथा विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक रोजगार के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे, उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस और उप मुख्यमंत्री श्री अजीत दादा पवार, इनके नेतृत्व में महाराष्ट्र समृद्धि की ओर तेजी से बढ़ रहा है।